एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हो चुकी है पे मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट, और मॉर्निंग की स्टार्ट करते यार संडे है, ध्रुव के भी एग्जाम खत्म हो गए हैं, और साथ ही साथ आज थोड़ा रेस्ट वाला दिन है। लेकिन आने वाले हैं आज मेरे ताऊ और ताई, उन्होंने मुझे सुबेरे कॉल कर दिया था कि वो मम्मी से मिले नहीं है अभी, तो मम्मी से मिलने आ रहे हैं और पापा जा रहे हैं आज मन्नू अंकल लोगों के यहाँ पे, उनके पापा का श्राद्ध है आज, तो वहाँ जा रहे हैं। तो खाना मेरे को और मम्मी को और ध्रुव को बनाना है। पतिदेव कल रात को आने वाले थे बट लेट हो गए थे तो आए नहीं, फिर अभी भी नहीं आए। अब लगता है मुझे कि यार वो शाम को ही रिटर्न आएंगे, शाम को वापस शाम को आएंगे घर। अब तो आज की दिनचर्या बड़ी मतलब चाय पी और थोड़ा रेस्ट के साथ काम करेंगे, और ध्रुव तब तक अपने लिए मैक्रोनी बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आगे आगे की मेरी दिनचर्या में आज क्या होता है और हम लोग क्या करते हैं तो वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ऐसे बने रहिए और डायरेक्ट चलते हैं मेरी बाकी की दिनचर्या में। और यहाँ पे बनने लग गई है मेरी सुबह सुबह की चाय, थोड़ी कड़क चाय, और साथ ही साथ यहाँ कर रही हूँ दूध गर्म। तो ये दो काम है जो मेन काम है, पहले चाय पीते हैं फिर बाकी के काम निपटाते हैं। ताई जी लोग ताऊ ताई अब जा रहे हैं मम्मी की खबर बात करने आए थे। जय हमारे ब्रेकफास्ट में मैक्रोनी, जिसमें हमने प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला है, प्याज तो सराद है इसीलिए नहीं खाना है, और टमाटर मम्मी बीज होते हैं तो टमाटर इसलिए नहीं डालते क्योंकि मम्मी को नहीं खाना है, और बनाई है ये ध्रुव जोशी ने आज। नमक कहता हूँ सब अच्छा होगा। तो आज हम यही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि घर में पापा भी नहीं है, पापा गए हैं श्राद्ध में चाचा लोग के यहाँ, तो मैं मम्मी और ध्रुव हाँ टाइम पास कर रहे थे मैक्रोनी खा के। थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन, और मम्मी यहाँ पे लेटे हुए टीवी के मज़े ले रही हैं। अब कराती हूँ मम्मी को दिन का लंच, तो दिन के लंच में हरी सब्जी और रोटी। आज मैंने चावल नहीं बनाया है क्योंकि पापा थे नहीं घर में, तो फिर दो तीन लोगों के लिए क्या चावल बनाती, तो ये है मम्मी का लंच आज। ये है ध्रुव का लंच, तो सब्जियाँ यार कल पति देव नहीं आए थे तो वो बची हुई थी, तो मैं स्टेज में तो बिल्कुल बिलीव नहीं रखती, तो कल की लौकी की सब्जी, मट्ठे डाली हुई और साथ में पराठे। ये है दिन का लंच ध्रुव के लिए। मेरा खाना एक मोटा पराठा और सब्जी। दिन का खाना वाना खाने के बाद सपने रोटी है जी, तो मैं ध्रुव के लिए बना रही हूँ आज कुछ स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने को रखे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मैदा, मैदे में नमक और हल्का सा अजवाइन रखा डाला है क्योंकि ध्रुव को अजवाइन पसंद नहीं है, तो इसलिए अजवाइन मैंने नहीं डाला है। और आज मैं बना रही हूँ उसके लिए आलू पैटी घर पे, कोशिश कर रही हूँ बनाने की, देखते हैं बनती है नहीं बनती है। मैं बनाने लग गई हूँ यहाँ पे आलू पैटी क्योंकि प्याज व्याज तो डालना नहीं है, और मेरे को लगा मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मैंने इतना थोड़ा सा ही आटा गूंद रखा है, ज़्यादा आटा नहीं गूंदा कि अगर इनकेस ये ख़राब बन गए तो आटा भी वेस्ट जाएगा और अंदर की स्टफिंग भी वेस्ट हो जाएगी। तो आज मैं सिर्फ ट्रायल के लिए बनाऊँगी, तो इसके अंदर सिर्फ आलू भरूँगी क्योंकि भी प्याज व्याज हम कुछ डाल नहीं सकते, शराब चल रहे हैं, तो देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा गूंद के ले लिया है, अब इसकी रोटियाँ बनाते हैं। बेल लिए इतनी सारी लेयर्स, पतली पतली रोटी और छोटी छोटी सी रोटियाँ, और यहाँ पे आलू और मेयोनीज और पिज़्ज़ा सॉस डाल के मैंने इसकी जो स्टफिंग है वो तैयार करी है। तैपर वो ये है कि ये जो मैदा है इसमें मैंने पानी डाल के इसका एक घोल टाइप का तैयार कर लेना है, जिससे ये रोटियाँ जो मेरी है वो चिपक जाएंगी दूसरे के ऊपर। ये मैंने एक रोटी डाली है, उसके ऊपर जो ये मैदे का स्लरी बना रखा है ये लगाएंगे, उसके बाद करेंगे सूखा मैदा इसमें डस्ट, और सेम प्रोसेस से करेंगे इसके ऊपर जो लेयर्स हमने लगा रखी हैं, मतलब जो रोटियां बेली हैं उसको ऐड, और ये प्रोसेस धराएंगे। जितनी रोटी की लेयर बना रखी है उसको हम सेम प्रोसेस से ऐसे चिपकाते रहेंगे ताकि जो पेटीज है उसकी जो लेयर्स है वो बन जाए।
5 से 6 लेयर मैंने गिनी भी नहीं है कि कितनी लेयर बनी है, बट हाँ अधिकतर मुझे ऐसा लगता है मेरी 6 लेयर तक शायद बनी है। और ये है अब इसकी लास्ट लेयर, और लास्ट लेयर में भी हमको ये प्रोसेस दोबारे करनी है। ये करने के बाद हमने इसको नीचे से हल्का हल्का पकड़ना है और ऐसे रोल कर देना है। तो कम से कम मेरी इसमें 3 से 4 पेटीज बन जाएगी। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप नीचे अपने फ्लोर पे थोड़ा सा डस्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा रोल बन गया है, अब बराबर हिस्सों में, मतलब बराबर हिस्सों में आपको इसको काट लेना है। मैं 5 ही हिस्से बना रही हूँ, ये थोड़ा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा पीछे से काट दूंगी मैं। तो ये बन गया है मेरा हिस्से। तो ये जो मेरी पेटी का जो रोल है वो बन के रेडी हो गए हैं। अब इसको मैंने बेल लेना है हल्का हल्का सा मैदे में टोस्ट करके। यार ये अवन में मैंने ट्राई करे हैं, अवन में तो बन जाते हैं बहुत इजीली, बेक होते हैं तो सारी लेयर्स खुल जाती है। अभी मेरे पास अवन नहीं है, मैंने अवन लेना है सबसे पहले। तो अभी मैं इसको तेल में फ्राई करके देखूंगी कि ये कैसा होता है। और इसके बाद हमने इसकी कुछ चौखट बनानी है, तो इसकी ये जो लेयर्स हैं ये काट देनी है। और अब जो हमारा जो मसाला है वो हमने भरना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसको बंद कर देंगे हम। थोड़ा सा फट गया है बट मैं इसमें जुगाड़ कर दूंगी। इसके बाद इसको ऐसे करके साइड से, जैसे पेटीज का शेप होता है आपको वैसे इसको बंद कर लेनी है, और यहाँ से ऐसे उठा के इसको फ्राई कर देंगे। और देखते हैं, लेट्स सी कि इसमें लेयर्स निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। तेल हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब डालते हैं इसमें हल्के तेल में पेटीज को अपनी। आलू पेटी जैसे तो नहीं बने, इसमें मेरे से एक हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़ और घोटाला, कि जो आटा था ना वो ध्रुव ने थोड़ी देर पहले गूंद के रखा था, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, गर्मी से आटा हो गया था बहुत सारा, ज़्यादा कैच कैच वाला। तो बट ये वैसे नहीं बने, लेकिन ये वो जो मैगडी में मिलते हैं ना पॉकेट रोल्स, ये उस टाइप का कुछ बन गया है। अभी इसमें लेयर का कुछ दिक्कत हो गया है, नेक्स्ट टाइम जब ओवन आएगा नेक्स्ट टाइम पेटीज बनाऊंगी, बट ये अभी खाने के लिए काम चलाओ ठीक लग रहा है। मिस्टर पतिदेव भी आ गए हैं। डिश पतिदेव चक्कर लग गए हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये वही कहावत हुई है। क्या है हमारे घर में, कौन मिलने, अपना नाम बता दो। गणेश। और क्या खाला ये? बिस्किट। और ये है चारू चचा का छोटा वाला बेटा। और आइए साथ में आम अभी, क्यूट क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई है हमारा, है ना। का खाना मेरा बन चुका है, सोयाबीन बड़ी की सब्जी, भूटी हुई छाछ और रोटी। ये है पापा का, ये है मम्मी का, और पतिदेव और ध्रुव के लिए बना रखे मैंने पराठे, और ये है इनका खाना। करती हूँ अपना डिनर, और मम्मी यहाँ डिनर करके अपने पहाड़ी गाने सुनने लग गई है, और मैं डिनर करके अब होती हूँ फ्री। फिर समेटती हूँ किचन खाना खाने के बाद। के बाद मैंने कर दिया है प्लेटफॉर्म पूरा साफ, और आज दूध पीने की इच्छा थी तो थोड़ा सोच रही थी थोड़ा दूध पी लेते हैं, तो दूध गर्म करती हैं।
और बस मुझे ये लास्ट छाछ की बोतल धोनी है, फिर मेरा आज का काम हो गया समाप्त। लेके आ गई हूँ दूध, थोड़ा ठंडा होता है फिर पीती हूँ। डिनर करके मैं हो चुकी हूँ फ्री और करवा भी दिया है सब लोगों को, और पतिदेव भी आज आ गए थे खाना खाने के टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हमने डिनर कर दिया है, क्योंकि दिन में हम लोगों ने आज राइस नहीं खाया था, सिर्फ रोटी खाई थी, तो सबको भूख लगी थी, तो सब जल्दी जल्दी डिनर करके हो गए हैं हम लोग सब फ्री। और आज की दिनचर्या में बस मेरा यही था, घर से घर तक का काम। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो कि आएगा कल, और फिर देखती हूँ फिर आगे की मेरी चीज़ें क्या क्या होते रहती है। बाकी तो अभी फ़िलहाल मेरे सब यही वर्क चल रहे हैं, घर में ही रहो, घर पे खाना बनाओ और सब लोगों को खिलाओ। मम्मी की तबीयत अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है, मम्मी अब इधर उधर वॉक करने लग गई है, इधर उधर कहीं अड़ोस पड़ोस में जाती भी है, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती भी है थोड़ा सा। तो पहले से मम्मी को ये दर्द वर्द वाला थोड़ा सा, ये जो दर्द थी पहले वो थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी अभी रिकवर होने में तो और 15-20 डेज लगेंगे मम्मी को पूरा तरीके से, और लेकिन अभी इतनी सही हो गई है कि इधर उधर आ रही है, घूम रही है, वॉक कर रही है, मस्त रह रही है घर पे। तो बाकी आज मेरे व्लॉग में इतना ही था, मिलती हूँ आपसे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के लिए बाय।